हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्रिटी सा डिजाइन। फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, लेडी स्वेटर पे, बेबी स्वेटर पे या बच्चों की स्वेटर पे। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन हमारा 5 के मल्टीपल पे चलता है, यानी कि आप ये डिजाइन बनाओगे तो आपने फंदे रखने हैं 5 5 5 5 5, 5 के जोड़े पे आपने फंदे रखने हैं टोटल। और ये डिज़ाइन जो है केवल 2 सिलाइयों का है, 2 रो का ये डिज़ाइन है। और आप इस डिज़ाइन को स्वेटर के बॉर्डर पे भी अप्लाई कर सकते हो, केवल आप अगर बॉर्डर बनाना चाहते हो इस डिज़ाइन का तो वो भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए इसकी बैक साइड और ये इसका फ्रंट साइड यानी राइट साइड। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस पे 20 फंदे डाले हैं, 20 स्टिचेस। तो ये डिज़ाइन जो है राइट साइड से स्टार्ट होगा। फर्स्ट रो राइट साइड, पहला फंदा सीधा उतारेंगे धागा आगे करके, यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है। एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके, एक फंदा सीधा धागा आगे करके, एक फंदा उल्टा धागा पीछे। अब देखिए ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों में से पहले हम दूसरे नंबर के फंदे को पहले बुनेंगे। इस फंदे को हमने पहले बुनना है इस तरह से, फिर हमने फर्स्ट वाले फंदे को बुनना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से, ये 5 फंदों का डिज़ाइन एच को छोड़ के देखिए, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा और 2 फंदों पे ये डिज़ाइन। इन्हीं 5 फंदों के डिज़ाइन को हमने पूरी सिलाई पे रिपीट करना है। फिर से हमने सिलाई देखिए डिज़ाइन कैसे बनाना है। फिर से एक डिज़ाइन यहाँ पर ख़त्म हो गया, दूसरा डिज़ाइन फिर से देखिए, एक उल्टा धागा पीछे, एक सीधा धागा आगे, एक उल्टा फिर धागा पीछे। आगे के 2 फंदों पे डिज़ाइन डलेगा तो पहले इस फंदे को हमने बुनना है। सेकंड नंबर के फंदे को पहले बुनेंगे, इसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को बुनेंगे। ये देखिए फिर से देखिए डिज़ाइन एक बार फिर से, एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करके, एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे करके, एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे। अब इन 2 फंदों पे डिज़ाइन डलेगा, पहले हम सेकंड नंबर के फंदे को बुनेंगे, फिर हमने फर्स्ट वाले फंदे को बुनना है इस तरह से, धागा आगे करके। लास्ट में हमारे 4 फंदे बचेंगे, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा और हमारा जो लास्ट का फंदा है इसे हमने सीधा बुनना है। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो ओवर हो जाएगी। देखिए सेकंड रो बैक साइड, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे धागा पीछे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे। अब देखिए ये जो 2 फंदे हैं जो हमने ट्विस्ट करे थे, इन 2 फंदों को फिर से हमने ट्विस्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों फंदों को पहले इस सिलाई पे लेंगे। अब देखिए पहले इस फंदे को इस सिलाई पे लेंगे और दूसरे नंबर के फंदे को देखिए इस तरह से यहाँ से लाते हुए यहाँ पर हमने डालना है और इसे इन दोनों फंदों को उल्टा बुनना है इस तरह से। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा फिर धागा आगे। फिर से इन 2 फंदों का जो हमने डिज़ाइन बनाया था आगे की तरफ से, इस बार देखिए इस बार भी हमने इन फंदों को ट्विस्ट करना है। इस तरह से दोनों फंदों को इस सिलाई पे लेंगे और इस वाले फंदे को इस तरह से लेते हुए यहाँ से ला के और इसे पहले इसे बुनेंगे फिर इस फंदे को बुनेंगे उल्टा। फिर से देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा धागा आगे करके इन 2 फंदों को पहले दोनों फंदों को इस सिलाई पे लेंगे, फिर इस फंदे को हमने यहाँ से लेना है और सेकंड नंबर के फंदे को पीछे की तरफ से आगे लाएंगे, इन दोनों को हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा एक उल्टा एक सीधा और एज हमारा उल्टा। देखिए इस तरह से
दो सिलाइयों का टोटल ये डिज़ाइन है। इन्हीं टू रो को हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बन के आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।